डॉक्टर साहब सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। देखिए सबसे बड़ी अच्छी अपडेट जो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जो जारी किया गया था उसके एमसीसी जो है पूरी तरह से उस पर अमल कर रही है और अभी एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है यार काउंसलिंग को लेकर। तो अभी 43 स्टूडेंट का अभी क्या हुआ, गाइडलाइन के तहत ही पकड़ा गया है। पूरा मामला हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि सही अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि सीट ब्लॉकेज कोई नहीं कर सकता है, इसी मामला को देखिए अभी 43 स्टूडेंट जो है वो मॉपअप राउंड में पकड़े गए हैं। जी हाँ, कि उन्होंने स्टेट के हिसाब से उनको सीट अलॉटमेंट हो चुका था लेकिन बेहतर के चक्कर में उन्होंने मॉपअप में भी अप्लाई कर दिया था और वो 43 स्टूडेंट जो है यहाँ पर पकड़े गए। यानी सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन था कि इस तरह का काम नहीं हो, सीट ब्लॉकेज नहीं किया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ी सफलता मिली है कि यह इसलिए हम कह सकते हैं ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है उसे अंदर से लागू करिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जिससे कि आप इस ब्लॉकेज सीट ब्लॉकेज नहीं कर सकते। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। और एनएमसी बिल के बारे में जब मैं फिर बात कर रहा हूँ कि एनएमसी बिल के बारे में पूरी तरह से सही इन्फॉर्मेशन अभी आप मेरे पास नहीं आ पा रहा है या शेयर नहीं हो पा रहा है, इस कारण से मैं अपडेट आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही इस बारे में अपडेट मैं जरूर शेयर करूँगा। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।